हम गुनहगार, हम गुनहगार शैदाइयों की तरफ एक नजर इमाम जमा देखिए, आफतें देखिए, मुश्किलें देखिए, इब्तिला देखिए, इम्तिहान देखिए, या महदी या महदी। जख्म लगते हैं और कोई मरहम नहीं, दर्द उठता है और कोई हमदम नहीं, आज नाला हुआ नारसां देखिए, आज फरियाद है रायगां देखिए, आज फरियाद है रायगां देखिए। हम गुनहगार, हम गुनहगार शैदाइयों की तरफ एक नजर इमाम जमा देखिए, आफतें देखिए, मुश्किलें देखिए, इब्तिला देखिए, इम्तिहान देखिए, या महदी या महदी। ये हकीकत है कि हम गुनहगार हैं, मगफिरत के तुम्ही से तलबगार हैं, दिल की फरियाद है लेकर आए हुए, मेरी जानिब भी शाहे जमां देखिए, मेरी जानिब भी शाहे जमां देखिए। हम गुनहगार, हम गुनहगार शैदाइयों की तरफ एक नजर इमाम जमा देखिए, आफतें देखिए, मुश्किलें देखिए, इब्तिला देखिए, इम्तिहान देखिए, या महदी या महदी। जमाने के मालिक, ए वक्त की रफ्तार को काबू में रखने वाले, ए रात की खामोशियों में फरियाद करने वालों की फरियाद सुनने वाले, ए मजहरे शाने इलाही, ए रात की तरह गुनहगार के इस्तग़फ़ार से उसके गुनाहों की पर्दापोशी करने वाले, ऐ सुबह के उजालों को नूर बख्शने वाले, ऐ करीम माफ कर दो, सीने में दम घुट रहा है, निदामत के अश्क पोछने के लिए सिर्फ यह खून भरा दामन है, वजूद की चादर चारों तरफ से दागदार है, ऐ वो जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी है, बस एक नजर ही करम, बस मौला, बस सिर्फ एक नजर ही करम, या मौला, या मौला, या मौला, कौन कौन है?
और इस तरह मैं आपके दर पर पहुंचा। इसका मतलब तुमने मौला से मुलाकात की? हाँ। और उस किताब के बारे में तुम्हें मौला ने बताया? हाँ आगा, जब मैंने आपको बहुत परेशान देखा तो हजरत से तवस्सुल किया। इमाम ने मुझसे वादा किया था कि जब तुम मुश्किलों में गिरफ्तार होगे मैं तुम्हारी मदद को आ जाऊंगा, और उसके बाद मौला ही तशरीफ लाए थे और आपकी किताब का पता बता गए। शेख हसन, क्या मैं भी शर्फ जियारत हासिल कर सकता हूँ? हाँ मालूम नहीं, लेकिन आगा जान, ये क्या कम है कि आपका नाम एक गिरामी उनके नौकरों के फहरिस्त में है? आपको मेरे इल्म के लिए मुंतखिब किया, आपका नाम एक गिरामी उनकी जुबान पर आया, आप मुंतखिब रोजगार है, आपका नाम तारीख में आएगा। आपका नाम आएगा तो लोग अपने मौला की गैबत के माने समझेंगे, इंतजार की कैफियत पैदा होगी। शेख हसन बेटा, या सादाती व मवाली इन्नी तवज्जहतु बिकुम। ऐ हमारे आकाओ, ऐ हमारे सरदारों, आप ही से हमने तमाम उम्मीदें बांध रखी हैं। ऐ हमारी हयात व कायनात के रहनुमाओं और नहूत के दिनों का जखीरा, ऐ हमारी बेमायगी में काम आने वालों, अल्लाह के लिए तुम ही को वसीला बनाया है, आप ही को अपना शफी माना है, आप खुदा की बारगाह में हमारी शफाअत कर दीजिए, हमारे गुनाहों को बख्शवा दीजिए, आप ही हमें नजात दिलाने का जरिया है और आप ही मोहब्बत और कुर्बत से हम रस्तगारी की तवक्को रखते हैं। हमने आपसे आस लगाई है, कयामत में मायूस न होने दीजिएगा। ऐ हमारे सरदारों, ऐ अल्लाह के दोस्तों, तुम सब पर उसका दुरूद सलाम, और तुम पर सितम ढाने वाले तमाम दुश्मनाने खुदा पर शुरू से आखिर तक अल्लाह की लाना। आमीन رب العالمين الله صلى الله عليه اجمعين ولعن الله اعداء الله ظالميهم من الاولين